चौथे J&K यूटी सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का इख्तितामी फंक्शन घिंदुन स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में इख्तिताम पसीर हुआ। कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे कश्मीर में भी ये गेम्स जो है ये प्रमोट हो रही हैं और हमारे कोच लाइक समीर सर, आसिफ सर हमें टाइम दे रहे हैं। 4-5 दिन से हमें ट्रायल्स चल रहे हैं हमारे, बिकॉज जो आगे चैंपियनशिप आने वाली है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स आने वाले हैं जो इंटरनेशनल खेल के आए हैं, तो उनके साथ कम्पीट करने के लिए वी आर हेयर। हम देख रहे हैं कि गेम कैसी है, कैसे खेला जा रहा है, एंड पिछले 5-6 दिनों से हमें समझ आ रहा है कि कैसे खेलना है। एंड वी आर सो हैप्पी फॉर कश्मीर कि वो टाइम दे रहे हैं हमें, एंड बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज हो रहे हैं इससे। लाइक स्टडीज तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो उस वजह से हम कश्मीर के लिए खुश है कि यहाँ पे प्रमोशंस हो रही हैं। सो मैं बच्चों से यही गुजारिश करती हूँ कि वो आए और इस गेम को देखे। जम्मू कश्मीर इमैच वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के बाहमी इश्तराक से सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप मुकाबला आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस मुकाबले में तमाम जुमराए उम्र, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले मर्द खवातीन ने हिस्सा लिया। मैं एक सॉफ्ट टेनिस प्लेयर हूँ, मैं इंटरनेशनल नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैं एक गेम 3 साल से खेल रहा हूँ। और यहाँ पे श्रीनगर में अभी ये 4th सॉफ्ट टेनिस स्टेट चैम्पियनशिप है। यहाँ पे मैंने एक डबल्स और एक सिंगल्स का इवेंट किया जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया। मुझे लगता है कि ये गेम कुछ आने वाले सालों में बहुत प्रमोट होगी और इसका मतलब इसमें जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेके खेलेंगे उनके लिए बहुत स्कोप है, और जितना ये प्रमोट होती रहेगी उतना बच्चों के लिए फ्यूचर ब्राइट है। अभी 5 नेशनल्स खेले हैं, जैसे दिल्ली में, फिर उसके बाद भुवनेश्वर में, अभी मैंने दिल्ली में 2 नेशनल्स खेले हैं और मध्य प्रदेश में मैंने गोल्ड लिया था, और मैंने इंटरनेशनल फिलीपींस में खेला है 2019। मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब इतना मैंने सोचा नहीं था कि जितना मैंने वो किया है, अचीव किया है इसमें, इतनी मेहनत की है मैंने इसके लिए। मेरे पेरेंट्स, मेरे कोच इंदू सर बहुत खुश हैं इससे, मेरी इम्प्रूवमेंट से। मैं बाकी के लिए बस यही कहना चाहता हूँ कि जितने यहाँ पे मतलब बच्चे हैं अभी, अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे, इसमें मतलब अपनी पूरी जीत मतलब जान लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, तो बहुत अच्छा फ्यूचर ब्राइट है उनके लिए। मतलब आप जितना खेलोगे आप उतना इम्प्रूव करोगे, उतने आपके चांसेस हैं मतलब मेडल नेशनल वगैरह इंटरनेशनल में जाने के चांसेस है, तो मतलब स्कोप अच्छा है इसके। इस मौके पर मोहतरमा बिल्किस अमीर, IC डायरेक्टर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर नेहरू पार्क और मुश्ताक अहमद जरगर, मैनेजर गिंदन स्टेडियम राजबाग श्रीनगर, मेहमान जीविकार थे। ये जो 4th J&K UT सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप हो रही है, बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में इसको कंडक्ट किया एसोसिएशन ने। मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, और जो जोश मैंने प्लेयर्स में देखा इससे मुझे यही अंदाज़ा हुआ, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन खुद हूँ, ये बच्चे ना कि नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल करेंगे। और दूसरी खुशी की बात यहाँ पर मैंने ये देखी कि यहाँ पर 50% वुमेन पार्टिसिपेशन है, और हमारे लड़कियाँ किसी भी फील्ड में अगर देखा जाएगा वो पीछे नहीं है, हर फील्ड में, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो पढ़ाई का मैदान हो, हर जगह लड़कियाँ एक्सेल कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट से एक बूस्ट मिलेगा ये बच्चे, क्योंकि इनका नेशनल भी आ रहा है, इससे एक बूस्ट मिलेगा, वो नेशनल में अच्छा परफॉर्म करें, जम्मू कश्मीर UT का नाम नहीं बल्कि हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे, ना कि नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में बल्कि इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में। मस्कुरा चैंपियनशिप में कश्मीर के 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उर्दू।